शेष समय है जब चोट की जा सकती है, यही उस समय साधु राजा ये सोच बना रहे हैं, ये आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं कि धनुष न टूटे। रावण, तुम्हें अपनी नीति का पालन करते हुए आज इस ओर मर जाना है और यही विचार इस समाज पर प्रस्तुत करना। मजबूत धरातल के साथ अपनी यही बात रखी है। थोड़ी देर के लिए सभी सोचने के लिए भी बस सोचा कि पक्ष रावण का सशक्त है। थोड़ी देर के लिए समाज तैलोक के पधारे हुए भी ये सोचने के लिए भी मत सोचाए कि जो बात रावण के रहा वही सही है। हाँ शेट, ऋग्वेद की शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा है, नाथ तीरे नाथ दूरे ना पले नाथ दुर्बले, भक्त हीरे मूर्खे चा नाथ तीरे बहुत पास नहीं, नाथ दूरे बहुत दूर नहीं, न बले अत्यंत बलवान को नहीं, नाथ दुर्बले अत्यंत दुर्बल को नहीं, भक्तहीन चरित्रहीन को नहीं, मूर्ख और मूर्ख को नहीं। इन छह को कन्या नहीं देनी चाहिए। और यहां हो क्या रहा है? यहां हो रहा है सही पुरार कौदंड कठोरा राज समाज आज चैतोरा। और वो चाप कैसा है? धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकादि पूज्य थे, दही पर्वती मुख्य। तो जब ये अत्यंत बलवान जो इन्हें तोड़ेगा वह अति बलवान, और तब नियमावली का उल्लंघन, क्योंकि नियमावली ये कहती है ना बले ना दुर्बले। तो क्या राजा जनक द्वारा वही कार्य किया जा रहा है जो पूर्व में दस्ता द्वारा अपनी पुत्री के साथ किया गया? दस्ता ने अपनी पुत्री संज्ञा का पाणी ग्रहण संस्कार सूर्य के साथ किया। बलराम, बलराम न पुत्री घर की रही न घाट, न पितकुल की रही न पतकुल की, क्योंकि पुत्री सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपने पिता के गृह गई और पिता ने कहा कि तुमने अपने पति को बिना बताए यहां आने का साहस किया है, इसलिए तुम्हें पितृगृह में स्थान नहीं।
कहा प्रणाम संज्ञा को बन बन भटकना पड़ा। ये प्रश्न चिन्ह है यहां के विद्वत्साहित पर, यह प्रश्न चिन्ह है यहां के मनीषियों पर। अभी तक किसी ने भी इस बात का विरोध राजा जनक के समक्ष क्यों नहीं रखा, ये विचारी प्रश्न है। मैथिला समाज के मध्य उपस्थित समस्त राजाओं के द्वारा अपने अपने विचारों का आदान प्रदान उसी क्षण लंकाधिपति श्री रावण जी का आगमन, सिद्धांतों की चर्चा में एक सिद्धांत रावण जी ने भी ला करके खड़ा किया कि शुक्ल यजुर्वेद का सिद्धांत है कि बेटी का विवाह ना अति पास में करना चाहिए ना अति दूर करना चाहिए, अर्थात अत्यधिक पास में नहीं करना चाहिए और अत्यधिक दूर नहीं करना चाहिए, ना बलवान के साथ करना चाहिए ना दुर्बल के साथ करना चाहिए अर्थात कमजोर के साथ करना चाहिए। यहां तक नहीं और भी आगे जोड़ा कि ना चरित्रहीन के साथ और ना मूर्ख के साथ करना चाहिए। बड़ी समाज की विडंबना है कि लोग दूसरों को तो उपदेश बहुत देते हैं लेकिन उन उपदेशों का स्वयं पालन नहीं। जिस सिद्धांत की चर्चा श्री रावण जी मिथिला समाज में कर रहे हैं उस सिद्धांत को वो जानते हैं तभी तो कर रहे हैं, लेकिन उस सिद्धांत का पालन उन्होंने अपने परिवार में अपने भाइयों के विवाह में क्यों नहीं किया। अगर हमें कोई सिद्धांत मालूम है, नियमावली मालूम है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक दायित्व है, नैतिक धर्म है कि हमें वो नियम सबसे पहले अपने परिवार में लागू करना। इन्होंने अपने भाइयों का विवाह किया, गुणबंधु भाई चाई भाइयों का विवाह किया और क्या किया, किसके साथ किसका किया, कुंभकर्ण जैसे भाई का विवाह भी कर दिया जिसके विषय में कहा गया है अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जिसका बल अति है अधिक बलशाली है। क्या उसकी पत्नी का जो ये विवाह करके लाए वो पत्नी न घर की रही न वो घाट की रही, कहां चली गई। ये सिद्धांत रावण जी जानते थे जिस समय इनका विवाह हो रहा था उस समय एक शर्त के अनुसार इनका विवाह मैदानों ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह इनके साथ किया। क्या अपने ससुर मैदानों को इन्होंने समझाया कि यह सिद्धांत आपका ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो दिग्विजय अभियान के तहत निकले हुए हैं, हमारी एक मन की अभिलाषा है कि मैं विश्व का सम्राट बनूं और जिस समय मैं विश्व का सम्राट बन जाऊंगा उस समय तुम्हारी एक कन्या मंदोदरी न घर की रहेगी न घाट की रहेगी क्योंकि मैं बहुत बलशाली हो जाऊंगा। उस सिद्धांत का पालन रावण जी ने अपने विवाह में भी नहीं किया। एक बात और इन्होंने ला करके रखी कि सूर्य के साथ विवाह संध्या का किया गया जो त्वष्टा की कन्या थी, परिणाम स्वरूप कि संध्या न घर की रही न घाट की रही क्योंकि वो चुपचाप अपने छाया अपनी छाया को अपने पति के घर में छोड़ करके बिना बताए चली आई और वनों में वो भटकती रही क्योंकि पिता के यहां उसे आश्रय नहीं मिला, परिणाम स्वरूप कि वो न घर की रही न घाट की रही। क्यों छाया को छोड़ करके आई थी संध्या, क्योंकि वो सूर्य के तेज को सहन नहीं कर सकी। अगर सहन नहीं कर सकी रावण जी तो ये तीन पुत्रों का जन्म कहां से हो गया, अल्प विराम के साथ मैं चाहता हूं आपको। बढ़िया, और हम वहीं से शुरू हो रहे हैं जहां छोड़ा, बिल्कुल वहीं से। संतान कहां से हो गई, संतान प्राप्त होना और पति सुख का प्राप्त होना इनमें अंतर है, जरा पहले इसको सुना लो। एक बात,
संतान प्राप्त हो जाना और पति सुख प्राप्त होना, इन दोनों में अंतर है। संध्या संज्ञा सूर्य के तेज को नहीं सहन कर पा रही थी, अर्थात उसके संसर्ग में नहीं आ पा रही थी, उसका मुख नहीं देख पा रही थी। ये कष्ट था संज्ञा को। हां, संतानें तीन हुई, ये बात सही है। इसमें ये कहां से बात आ गई कि संतानें का संतानें तो लोग बात ईश्वर की कृपा से आशीर्वाद से भी संतानें प्राप्त हो जाती, तो संतानें बहुत प्रमुख नहीं लेकिन पति सुख प्रमुख है। एक बात ना, दो शब्दों में ही वार्ता होगी, लंबी वार्ता नहीं करनी। चलिए दूसरी बात, आपने कहा कि आपने अपने भाई का पाण गहन संस्कार, अच्छा तुम्हें कष्ट इस बात को कहा तो नहीं कि वो तुम्हारे परिवार से थे कुंभकर्ण की जो है, तो उसका पाण गहन संस्कार क्यों कर दिया? अरे क्यों कर दिया? क्योंकि सो सब करें वेद प्रतिकूला, हम तो वेदों के प्रतिकूल ही कर रहे हैं तो ये भी कर दिया, इसमें कौन सी नई बात कर दी? अल्प विराम लेकिन बहुत बढ़िया, लेकिन करके खड़ा किया, लेकिन 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 जो वेदों की दुआएं देते हैं, जो सिद्धांतों की दुआई देते हैं, जो बात बात पर वेदों का नाम लेते हैं, आज उनके यहां वेदों की ऋचाओं की हत्या हो रही क्यों? चलिए बहुत अच्छा पक्ष और बचाव पक्ष ला करके खड़ा किया कि मैं तो सिद्धांतों के विपरीत काम करने वाला हूं, मेरा तो यह स्वभाव है। ठीक, मैं इसे सहज स्वीकार करता हूं कि तुम वेदों के विपरीत कार्य करने वाले हो, ये तुम्हारा सिद्धांत है और तुम अपने सिद्धांत का पालन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये सिद्धांत नहीं है कि जो वेदों को मानने वाला हो उसको उसका जाकर के तुम विरोध करो, ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं है। तुम वेदों के प्रतिकूल काम करो, ये तुम्हारा सिद्धांत है। देवी धो धर्म निर्मूला शोषक करे वेद प्रतिकूल, ये सिद्धांत है तुम्हारा। लेकिन अगर कोई वेदज्ञ है, कोई ज्ञानी है, कोई धर्मात्मा है, तो उस पर आरोप लगाने का किसी दुरात्मा और अधर्मी का अधिकार नहीं है। उस पर वही आरोप लगा सकता है जो धर्म को मानने वाला होगा, जो ज्ञान को मानने वाला होगा, जो उससे अधिक ज्ञानी होगा। एक क्षण उधार ले, नहीं अभी नहीं उधार मिलेगा, क्योंकि उधार है तो सब फेल करते हैं, उधार आप देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तो आज की स्थिति में उधार तो हमें लेना है, ये हमें हमारे पास रहने दो। आप के द्वारा जो वक्तव्य है कि आप वेदों के विपरीत काम करते हैं, बढ़िया बात है, खूब करो, लेकिन जो वेदों के अनुकूल काम कर रहा है उस पर टिप्पणी का तुम्हें अधिकार भाई, जब तक उन पर टिप्पणी नहीं पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, और टिप्पणी कर कौन रहा है? जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसको ज्ञान छू करके नहीं निकला है, वो टिप्पणी कर रहा है। एक बात और आपने रखी थी, रुक जाओ, विषय बहुत रखा है, तो भाई थोड़ा हम चाहते ये थे जो हमारी आपकी पद्धति है उससे अलग ना हो, तो सब
अंतर हुआ, बिल्कुल चित्तपट वाला मामला हो, सीधे हाँ सीधे चित्तपट वाला मामला। आप कह रहे हो कि आप विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप उतने ज्ञानी नहीं हो। नारद पर टिप्पणी कौन कर रहा था? हरगण। नारद क्या थे? नारद विष्णु भगत पुण्य। काय टिप्पणी कर रहे? ये नहीं, ये आवश्यक नहीं। अगर रावण ज्ञानियों पर टिप्पणी नहीं करेगा, रावण धर्मात्माओं पर टिप्पणी नहीं करेगा, धर्माचार्यों पर टिप्पणी नहीं करेगा, महात्माओं पर टिप्पणी नहीं करेगा, तो रावण करेगा। चलो रावण महात्माओं पर टिप्पणी करे। रावण ये जानता है कि नारद ज्ञानी थे और कर्ण जो थे वो ज्ञानी नहीं थे टिप्पणी, तो रावण ये भी जानता है कि ज्ञानियों पर टिप्पणी करने वाले का परिणाम क्या हुआ था। क्या रावण उस परिणाम को भूल गया? हर गणों का के साथ परिणाम क्या हुआ? क्या रावण वो भूल गया? और अगर रावण वो भूल गया तो फिर रावण भूल कर रहा है, भूल करके भी भूल। क्या ईमानदारी से उसने भूल की थी कि उसने भूल की थी जिसने साबित किया था? अल्प विराम लगा कर चलिए, विषय यह नहीं है, विषय यह है रावण लोगो, विषय यह है कि आपने विषय ला के खड़ा किया कि हरगण ज्ञानी नारद के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तो क्या मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है? तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार है जनक पर, ये विषय नहीं। जनक विषय यही हमारा होता है ना, विषय से दूर मत भटको, आवाज हम भटकने भी नहीं देंगे। विषय हमारे आपके बीच में यही है, हमारा विषय है कि किसी ज्ञानी पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी अज्ञानी को नहीं है। हमने विषय ये ला करके खड़ा किया, आपने कहा नारद ज्ञानी थे और हरिगणों ने उन पर टिप्पणी की, तो क्या हरिगण भी ज्ञानी थे उससे अधिक? हमने कहा नहीं थे। हमने सहज आपकी बात को स्वीकार किया, तो हमने एक बात और रखी कि परिणाम क्या हुआ? देखो अगर ईमानदारी से परिणाम बाहर आगे बढ़ा तो हो जाने दो, रुके हो जाने दो। अगर ज्ञानी पर टिप्पणी की गई हरिगणों के द्वारा, तो हरिगणों के साथ घटा क्या? भाई जब आप इतना जानते हैं, किसी कृत्य को आप जानते हैं तो कृत्य के परिणाम को भी जानते होंगे। अच्छा तो ये बताओ ईमानदारी से, उसके बाद क्या घटा? फिर ये तुम भी जानते होगे, तब ये जानते हो कि ईमानदारी से यहाँ आत्मबोध आत्मज्ञान किसको हुई? हरिगणों को। या नारद को? विराम लगा के छोड़ रहे, ऐसे देना नहीं। देखिए आत्मज्ञान किसको हुई इससे विषय नहीं है, क्यों नहीं? विषय तो यह है कि उस विरोध का परिणाम क्या हुआ, इससे तो यही है। यह विषय नहीं है कि आत्मज्ञान किसको हुई, विषय तो हमारे आपके बीच में ये खड़ा है कि ज्ञानियों के विरोध, ज्ञानियों का विरोध करने वाले का परिणाम क्या होता है। देखिए ज्ञानियों के विरोध पर चाहिए आप। भाई रुके, ज्ञानियों के विरोध, हम कितनी छोटी बात रखे, आप ज्यादा बोलते हो, थोड़ी थोड़ी सब देखो सीधे चोट है कि ज्ञानियों का विरोध जिसने किया वो साबित कर दिया गया, तुम्हारी बात हम मान लें, लेकिन अगर उसका परिणाम यही है तो ज्ञानी नहीं होनी चाहिए, आत्मज्ञानी तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन आत्मज्ञानी होने की हमसे अंकित हुआ, हो गई बात। इसका मतलब, इसका मतलब सही कौन था? सही वो थे जो हर गलत, गलत कौन था? गलत नारद थे। फिर आगे परिणाम ज्ञान होने के बाद क्या हुआ? क्या श्राप से विमुख हो गए? नहीं। तो बस विषय तो यही हमारे आपके बीच में फिर आगे खड़ा हो जाएगा। अगर आप राजा जनक पर टिप्पणी कर रहे हैं, राजा जनक ने भी अगर श्राप दे दिया तो श्राप का परिणाम तो आपको ही भोगना पड़ेगा। देखो इसकी चिंता कायर और पूछते लोग ये अगर कर दिया तो ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये चिंता नहीं करते भाई। कोई भी व्यक्ति कर्मशील प्राणी कर्म करता है, कर्म क्योंकि कर्म अधिकारस्ते मां फले सुखदाचन, फल की चिंता पहले से करने लगेगा वो जीवन में कुछ का नहीं कर पाए, कर्म है।
पहले से अगर ये करेंगे तो किसी का विरोध करना ये कर्म है। ये निश्चित रूप से तुम बढ़िया बात रहे हो, इसके लिए अगले से साधुवाद। हाँ, किसी का विरोध करना ये क्या कर्म है? हाँ बिल्कुल, अगर वो हमारा विरोधी है उसका विरोध करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य। जो आपका विरोधी है उसका विरोध करना आपका नैतिक कर्तव्य है। तब तो मैं मानने के लिए ये विवश हो गया कि राजा जनक आपके विरोधी है तो आप नैतिक कर्तव्य का पालन करें। आपने कहा कि मेरा तो नैतिक कर्तव्य है कि अपने विरोधी का मैं विरोध करूं, तो फिर इस विरोध का कोई महत्व नहीं रहता। ये महत्वहीन आपकी बात हो गई। राजा जनक आपके विरोधी है, इस कारण आप विरोध कर रहे हैं। रुको, हाँ, अगर विरोधी भी सार्वगर्भित आधारयुक्त विरोध प्रदर्शित करता है तो उसे वो नहीं समाज स्वीकारेगा। तो हमारी बात आधारयुक्त सार्वगर्भित, इसलिए हम विरोधी विरोधी कह रहे हैं। तुम भी विरोधी हो? बिल्कुल विरोधी, क्योंकि वो धर्मोपासक, वो धर्म के पथ पर चलने वाले और